I gave you my heart. हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं से मुख्य प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अवश्य करें। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हम इस सीरीज के तहत प्रतिदिन 30 प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और आपको किस प्रकार के प्रश्न चाहिए ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके वीडियो से संबंधित सुझाव आमंत्रित हैं। वीडियो को और अच्छी बनाने के लिए आपके पास जो भी सुझाव हों उन्हें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? आपके सामने ऑप्शन है। पहला, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि इसमें पूछा है कि प्रतिभावान शिक्षार्थी की इनमें से कौन सी विशेषता है, विशेषता पर ध्यान देना है। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, वह बहुत ही तुनक मिजाज का होता है, वह रस्मि व्यवहार करता है जैसे हाथ तपतपाना, डोलना आदि, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो जो एक प्रतिभाशाली जो आपका बच्चा होता है वह ऐसी जब उसके सामने चुनौतीपूर्ण या गतिविधियां उसके सामने नहीं आती तो वह थोड़ा सा क्लास में कम प्रेरित में अनुभव करता है और जो उसके हिसाब से अगर कार्य क्लास में नहीं दिया जा रहा होता है तो वह उस कार्य से ऊब जाता है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट इसका सही होगा, क्योंकि आपके जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं इनको हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में अधिक रुचि होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक शिक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, यानी एक शिक्षिका है वह अपने अधिगम को किस प्रकार से अधिक प्रभावी बना सकती है, उसको आगे बढ़ा सकती है? ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। दूसरा है, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। दूसरा है आपका, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तीसरा आपका फोर्थ पॉइंट है, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। देखिए, यानी अब इस प्रश्न में जो प्राथमिक कक्षा के अंतर्गत एक प्रभावी अधिगम को बढ़ाना है एक शिक्षिका को, तो वह क्या करेगी? वह बच्चों को उनसे जीवन से संबंधित, यानी जो बच्चे हैं उनसे संबंधित वह उस टॉपिक को या जिस चीज को वह पढ़ा रही है उनसे संबंधित उसको बनाएगी जिससे बच्चे उससे कनेक्ट हो सकें। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, जो तीसरा है, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से के साथ संबंधित करके। जब बच्चों के जीवन के साथ उसे संबंधित किया जाएगा तो वह आसानी से उसके बारे में ज्ञान अर्जन कर सकेंगे। तीसरा प्रश्न है आपका, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है आपका, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपको इसमें बताना है। तो इसमें आपके जो बच्चे होते हैं वह जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है निष्क्रिय प्राप्तकर्ता।
बच्चे समस्या के समाधानकर्ता होते हैं। यह बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी बी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं, यह भी बात सही है। और बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी जो फर्स्ट दे रखा है बी सी डी। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, यह कथन आपका गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है वह इसका उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? पहला ऑप्शन है यद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए हतोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। नेक्स्ट है आपका पुराने प्रत्ययों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। देखिए आपका पहला पॉइंट है कि यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों गलत विचारों को सही में बदलना, यह बिल्कुल ही आपका बिंदु गलत हो जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह बिंदु आपका सही है। तीसरा पॉइंट देखिए जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, बच्चे को दंड से हमें कुछ भी नहीं सिखाना है, तो इसके लिए यह हमारा थर्ड पॉइंट गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। पुराने प्रत्ययों में से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए, यह गलत है। हम पुरानी चीजों से आज जो कुछ भी सिखा रहे हैं उनके साथ सहसंबंधित करेंगे तो बच्चा उससे अधिक सीखेगा। तो आपका ऑप्शन जो दूसरा है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी फोर्थ का आपका दूसरा उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, यानी प्राथमिक विद्यालय किस प्रकार का वातावरण हो जब बच्चे प्रभावशाली ढंग से सीखेंगे, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। तो यह तो आपका पहले ही सबसे पहले पॉइंट यह गलत हो जाता है, क्योंकि एकाधिकारवादी शिक्षा नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन है। नेक्स्ट देखते हैं। जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता हो और बल दिया जाता हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं दिया जा सकता। हम आज की शिक्षा के दौर में सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, न कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने लिखने और संज्ञानात्मक विकास की कुशलताओं के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है आपका इसमें थर्ड तीसरा ऑप्शन, जहां शिक्षक के सारे अधिगम में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, यानी यह भी पॉइंट आपका गलत रहेगा कि शिक्षक सारे अधिगम में आगे रहे और अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करे कि वो निष्क्रिय रहे, तो यह भी आपका पॉइंट गलत। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं वे महत्वपूर्ण हैं, यह आपका उत्तर सही होगा। जब बच्चे को प्रेमपूर्ण माहौल मिलता है और उसके जो सामाजिक विकास आदि की पूर्ति करता है उस वातावरण में बालक जो होता है वह प्रभावी ढंग से सीखता है, यानी आपके क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौए को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी, इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? सबसे पहला ऑप्शन है आपके सामने, पॉइंट है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। दूसरा है बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी, बच्चे ने अनुभव बताने के लिए एक भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो आपके सामने कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो जिसमें है आपका पहला पॉइंट है आपका बी और सी।
दूसरा है आपका ए बी और सी, तीसरा है केवल बी और फोर्थ है आपका ए और बी। तो आपका इसमें ऑप्शन बी इसमें सही होगा, क्योंकि बच्चे की जो स्मृतियां हैं वो उसमें भंडारण होना शुरू हो गया है और बच्चा जो है वह एक कौए को देखकर अगर उसको पक्षी कह रहा है तो इसका मतलब उसके अंतर्गत पक्षी संबंधी जो अवधारणा है वो उसमें विकसित हो चुकी है और वह अपने अनुभव को बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का प्रयोग करना सीख गया है, यानी उसमें उसका विकास हो गया है। इसलिए आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ए और बी सी, यानी तीनों ही इसके जो आपके पॉइंट्स दे रखे थे वह तीनों ही सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ऑप्शन है पहला आपका, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, देखो उसने एकदम ठीक कर लिया। नेक्स्ट है आपका, काम जल्दी पूरा करो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी। नेक्स्ट है, इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। मैं सीखना विद्यार्थी की ऑनरेग प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य समाप्त कर प्रेरित करने में कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है आपका, चलो इस उसको उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तो इसमें बच्चे को आंतरिक हमें प्रेरणा देनी है, तो किस प्रकार से हम बच्चे से कहेंगे कि तुम इसे करने की कोशिश करो सीख जाओगे। जब हम बच्चे को इस प्रकार से कहते हैं कि तुम अपना कोशिश करके देखोगे जरूर सीखोगे, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे की इंटरनल जो मोटिवेशन होता है वह जागता है और उसके द्वारा वह कार्य करने का प्रयास करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यदि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। अब इसमें आंतरिक रूप से पूछा गया है, प्रयोगात्मक परीक्षण से। नेक्स्ट है आपका, व्यक्तिगत लक्षण निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफी, उन्हें चिंता और डर पैदा करके। तो इसमें जब हम किसी विद्यार्थी को अध्ययन करने के लिए आंतरिक रूप से हम उसको प्रेरणा देनी है तो उसको हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। क्योंकि आपका जो बालक होता है उसके अंतर्गत जब हम उसके व्यक्तिगत लक्ष्य को निर्धारित कर देंगे और उसके जो गुण हैं उनको सुधार करने के लिए यानी उनमें निपुणता लाने के लिए जब शिक्षिका उसे आंतरिक रूप से प्रोत्साहित करेगी तो वह बिल्कुल मान जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा, रटकर याद करने के लिए जिससे वो प्रत्यास्मरण करने में अच्छे बने, दंडात्मक उपायों का प्रयोग कर से जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। तो आपका इसमें रटकर करने वाला और दंडात्मक दोनों ही पॉइंट्स गलत हो जाते हैं। देखिए तीसरा क्या कहता है इसमें, ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सके। सिर्फ परीक्षा में पास होना हमारा कार्य, बच्चों को पढ़ाना इतना ही कार्य नहीं होता। तो आपका ऑब्वियसली जब तीनों पॉइंट्स ऊपर वाले गलत हो चुके हैं तो आपका फोर्थ पॉइंट सही होगा। एक बार इसको पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो आपका ऑप्शन फोर इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आपके ऑप्शन तीनों ही गलत हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो आपका जो व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम होता है वह प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है इसका, क्योंकि जो आपका व्यक्तिगत साक्ष्य अधिगम प्रभावशाली विद्यालय का उदाहरण होता है। इस प्रथा में क्या होता है कि प्रत्येक जो बच्चा होता है वह अलग अलग से सीखता है और इसकी जो शैली होती है वह विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है,
यानी आपका सिर पदाभिमुख एक सिद्धांत है विकास का, वह किस प्रकार से आगे बढ़ता है आपको बताना है। भिन्न भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो देखिए आपका कोई इसमें ना ऑप्शन फोर्थ कोई विकास से संबंधित, नहीं आपका थर्ड, और नहीं आपका विभिन्न भिन्नों से एकीकृत कार्य की ओर। तो आपका जो सिर पदाभिमुख कार्य होता है यानी सिर से पैर की ओर होने वाला विकास, ऑप्शन सी इस आपका बी यानी नंबर दो इसका सही उत्तर होगा, सिर से पैर की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भाषा विकास के लिए संवेदन सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी वह कौन सी अवस्था होती है जब बच्चा सर्वाधिक संवेदनशील से भाषा विकास उसमें होता है। तो मध्य बचपन का समय, वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म से पूर्व का समय। तो देखिए जो प्रारंभिक बचपन का समय होता है उसमें बच्चे का भाषा विकास के लिए वह सबसे संवेदनशील समय होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक की जो अनुभूति होती है वह सरल एवं स्पष्ट होती है, इसलिए आपका ऑप्शन तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें, क्योंकि यह आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी परीक्षा में सफल होने के लिए प्रेरित करेगी। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। अब इसमें आपके पहला ऑप्शन है वृद्धि और विकास, दूसरा है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, तीसरा है अनुशासन और पौष्टिकता, चौथा है आपका आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो देखिए जब उसके जो माता पिता हैं वही आपके दोनों खिलाड़ी हैं तो उसमें यह आनुवंशिकता का गुण आ गया और ऊपर से उसको पर्यावरण भी उसी प्रकार का मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के भाग और पास पड़ोस, नेक्स्ट है आपका विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, नेक्स्ट है आपका परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस। तो इसमें जो गौण वाक होते हैं वह आपका विद्यालय और परिवार के निकट जो सदस्य होते हैं वह आपके, यानी इसमें हम ऑप्शन ए को सही लेंगे, विद्यालय और पास पड़ोस जो होता है वह बच्चे के लिए एक समाजीकरण के गौण वाक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका लेव वायत्स्कोगी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, यानी वायत्स्कोगी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है आपका सामाजिक अनुन क्रिया, मानसिक प्रारूपों का स्कीमा का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन और संतुलन। तो जो लेव वायत्स्कोगी का जो सिद्धांत है सामाजिक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे हम इस अपनी वीडियोस में पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो हमारी वीडियो देखी नहीं है तो उसको एक बार जाकर देख लें, जिससे आपको लेव वायत्स्कोगी के बारे में अन्य जानकारी मिल सके और उनके सिद्धांत का आप ढंग से अध्ययन कर सकेंगे। तो जो लेव वायत्स्कोगी है वह संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण सामाजिक जो अन्योन क्रिया जो इंटरेक्शन होता है उसको मानते हैं। वह मानते हैं कि जो बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है वह समाज एवं सांस्कृतिक संबंधों के बीच के जो संवाद होता है का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है, और वह इसको मानते हैं कि यह जो होता है आपका बालकों का ज्ञान का दर्पण होता है, वही इसका निर्माण करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा, यानी आपके उनके द्वारा दिए गए सोपान है उसके अंतर्गत आपका एक पॉइंट दे रखा है, देखिए पढ़ते हैं इसको। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो देखिए
सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञार्हता अनुकूलन। तो इस जो आपको पॉइंट्स दे रखा है इसमें क्या है कि आप अपने माता पिता से एक ये कहवाना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, यानी आपको ख्वाहिश है कि आपके माता पिता कहें कि आप जो काम करें वो बहुत अच्छा करें। तो आपका सेकेंड पॉइंट अच्छा लड़की अच्छा लड़का वाला, यानी गुड बॉय बैड, गुड बॉय बैड बॉय, यानी गुड गर्ल बैड गर्ल और गुड बॉय बैड बॉय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीन प्याजी के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, यानी ऐसा क्या है जो जीन प्याजी के अनुसार सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, अगला है आपका ईश्वरीय न्याय एवं विश्वास, अगला है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो आपका इसमें ऑप्शन फोर्थ, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, ऑप्शन फोर्थ इसका सही होगा। क्योंकि जो जीन प्यासे हैं वह मानते हैं कि शिक्षार्थी के द्वारा जब पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन हो जाती है तो वह सीखने के लिए उसको व्यवहार में लाता है, और हमेशा जो बालक होता है वह पर्यावरण के साथ ही व्यवहार करता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप जो स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम स्वरूप में घटित होता है, इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, फर्स्ट पॉइंट है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, तीसरा है समावेशन और समायोजन के रूप में, फोर्थ है आपका समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो आपका ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा, समावेशन और समायोजन के रूप में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी प्रगतिशील कक्षा में की व्यवस्था में शिक्षक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है। पॉइंट आपका गलत हो जाता है दूसरा, एक पहली नजर में ही। आगे बढ़ते हैं, आवृत्ति को बढ़ावा देता है, नेक्स्ट आपका खोज को प्रोत्साहन देता है। तो आपका 90 का फोर्थ होगा, तो एक प्रगतिशील कक्षा में आपका जो वातावरण है वह खोज को प्रोत्साहन देता है, ऑप्शन फोर आपका इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि की परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। नेक्स्ट है आपका क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि बुद्धियों का विकास हो सके। तो आपका जो गार्डनर है उन्होंने एक बहुबुद्धि विकास का सिद्धांत दिया जिसमें वो बच्चे के अंतर्गत 7 प्रकार की प्रभाएं मानते हैं, और वह कहते हैं कि आपका बी ऑप्शन बी, यानी शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह वह प्रयोग करे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन प्याजे इसे अहं केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वायत्सकी इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा में अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों से करेंगे। नेक्स्ट है आपका, जीन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेव वायत्सकी खोजबीन मानेगा। आपका बी पॉइंट गलत हो जाता है, जो जीन प्याजे है वह सामाजिक अन्योन क्रिया की नहीं बल्कि वह आपके संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, जबकि आपके जो लेव वायत्सकी हैं वह सामाजिक अन्योन क्रिया की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, जीन प्याजे और लेव वायत्सकी इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे, यह भी आपका गलत हो जाता है। जीन प्याजे और लेव वायत्सकी इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहं केंद्रित प्रकृति के रूप में
करेंगे। आपका यह भी पॉइंट गलत हो जाता है। इसके हिसाब से बस एक ही पॉइंट बचता है आपका, ऑप्शन ए। जीन प्याजे जो है वह इसे अहंकृत भाषा कहेगा, और जो लय वायफी है इसकी व्याख्या जो है वो अपने निजी भाषा में अपनी क्रियाओं के निमित्त रूप से प्रयास के रूप में करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिंग है शारीरिक संरचना, सहज गुण, सामाजिक संरचना, जैविक सत्ता। यह आपका एक सामाजिक संरचना होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, सामाजिक संरचना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेव वायस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक भौगोलिक प्रकार के प्रश्न, और सहयोगी प्रोजेक्ट। तो लेव वायस्की जो सिद्धांत है उनका, सामाजिक संरचना सिद्धांत, उसके अनुसार हम उसे सहयोगी प्रोजेक्ट विधि को हम आप उसके लिए बच्चे के लिए वरीयता देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपनी कक्षा की वैयक्तिक भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करे, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, और लास्ट पॉइंट है आपका, शिक्षण और आकलन की समान मानक तरीके हों। तो जब कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले जो बच्चे अधिक हो जाते हैं, तो उनके लिए निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को उनसे बातचीत करके उनके जो दृष्टिकोण है हमें उन पर महत्व देना चाहिए। ऑप्शन इसका दूसरा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थी की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, इससे विद्यार्थियों में भय तनाव का संचार हो। तो आपका यह पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत सिद्ध हो जाता है कि इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तीसरा, सिर्फ तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए किया जाना चाहिए, यह भी आपका गलत है, और सिर्फ एक बार हो, यह भी पॉइंट आपका गलत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी जो हमें फीडबैक प्राप्त हो जाता है, यानी बच्चा कितना सीख रहा है और सिखाने वाला शिक्षक उसे किस प्रकार से शिक्षा प्रदान कर रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है अधिकांश अधिनायकीय, अनुमति परक, सुविधाता या सत्तावादी। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है उसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के सीखने की सहज इच्छा और जो उसकी युक्तियों को समृद्ध बनाना होता है, और उसकी जो भी सीखना चाहता है उसको सुविधाजनक। तो आपका ऑप्शन थर्ड सुविधादाता सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम का एकमात्र निर्धारक होती हैं, कि संबंधित नहीं मापी जानी चाहिए पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन फोर इसका सही उत्तर होगा, कि अनुसंधान हमें समझाते हैं कि जो विभिन्न विविध कक्षा में विद्यार्थियों की शिक्षिका होती है, अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा। नेक्स्ट है आपका, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। फोर्थ है आपका, एक काल्पनिक लक्ष्य। आपका पूछा है विशेष आवश्यकता वाले के बच्चों को शामिल करना, तो यह आपके जो विद्यालय है उस पर किस प्रकार से, तो शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा के प्रति परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, विशिष्ट बच्चे होते हैं उनके लिए। बढ़ते हैं आज से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है, यह कथन है सही? क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं।
नेक्स्ट है आपका क्योंकि, सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। नेक्स्ट है आपका गलत, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। नेक्स्ट है आपका गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग थलग महसूस कर सकते हैं। तो जो विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रश्न बोलने वाले जहाँ बच्चे होते हैं, तो जो इस प्रकार की जो कक्षा होती है यह सही होती है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक अनेक कौशल सीखते हैं। यानी वो एक जब विशेष प्रकार के वातावरण में रहेंगे तो विभिन्न प्रकार की चीजों का उसमें उनमें वह अर्जन कर सकेंगे। आज का अंतिम प्रश्न, सुनने में असमर्थ बच्चा केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के सम्मान प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। श्रवण असमर्थता वाले बच्चे को विद्यालय भेजना चाहिए जहाँ नियमित विद्यालय में नहीं। तो देखिए, हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम उस बच्चे को एक नियमित विद्यालय में भेजेंगे जहां वह अपना अच्छा कर सकता है। यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर सही होगा। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। तो यह था फ्रेंड्स हमारी 500 प्रश्नों की सीरीज में आज का पहला पार्ट। इसके अंतर्गत हमने आज 30 प्रश्न किए। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। यह आपके सीटेट के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस सीरीज के अंतर्गत आने वाली सभी वीडियोस महत्वपूर्ण रहेंगी। तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। I carry my heart.